नाश्ता आ गया, लेकिन नाश्ता बिल्कुल भी भाई मजेदार नहीं है। कैसा है नाश्ता? तू ये अल्लाह का शुक्र करके खा रहा है भाई, शुक्र है। तू अल्लाह का शुक्र है भाई, अभी तो बातें बना रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा करने शुरू हो गया। अबे तुमको पत्थर दे दो, स्टील दे दो, लोहे दे दो, चबा जाएंगे। नारायण के हसीन नज़ारों के साथ और सर्दी के साथ सुबह हो चुकी है, और आज मैंने ये पहना है, और अब सब रेडी हो रहे हैं कि करके झील सैफुल मलूक जाने का तो कोई इरादा नहीं हो रहा। नहीं, सैफुल मलूक जाना था, लेकिन हिंजा जो है ना वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रही है, और मैं इसको लेके जाना नहीं चाहती, वहाँ बहुत ठंड है, तो इसलिए इरादा हो गया कैंसिल। क्या? और इसको आना है गोद में। नैशा के जो शूज हैं वो गीले हुए पड़े हैं, मैं क्यों उतरूंगी और देखूंगी कि कोई शूज मिल जाए। इसको मैंने अपने शूज दिए, बाकी सब लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। धूप मंजर कुछ इस तरह का है, ये गाड़ी हमारी रेडी खड़ी है। हाँ लो भाई, आपने कहा था कल मिलते हैं झील सैफुल मलूक पे। यार हम तो रेडी बैठे हैं, जरा भी चलना है तो बताओ, ये बताओ। चलो अब फाइल, अब जा रहे हैं हम लोग नाश्ते के लिए। देखते हैं नाश्ते, और हम लोग सब जा रहे हैं नाश्ते के लिए। तारू, और रात में भी बर्फ पड़ी है हल्की फुल्की सी, जो सिर्फ ऊपर पहाड़ों की तक है। दस्ताने पिंक वाले बैग में रखे मैंने, वहीं छोड़ दिए थे तुमने। क्या करें, चलें? चलो भाई, मेरी शॉल उठा के लाना सुनैशा, पिंक वाली। अरे इन लोग की तो वीडियोज ही खत्म नहीं हो रही है, मेरे जूते गीले पड़े हुए। सामान अभी छोड़ देना, आ जाए ना नीचे, बस ऐसे लॉक कर। सही है, 24 रुपए का तो वहाँ पे मिल रहा है कच्चा, और बॉईल करके लेकर आ रही है बच्ची, इतनी दूर पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आ रही है। बिला उठा के दो, ये मेरा है, ये मेरा है। और ये मुन्नी खाने के लिए खड़ी हुई अंडा। जिमन तुम भी अंडा खा रही हो? हाय फौरी करती है, सब ट्रेन हो चुकी है भाई। वो तो कह रहे हैं कागान पे नदीम भाई। और जी बाय बाय नारायण हो गया है, और हम लोग वापसी के सफर पे गामजन हो चुके हैं। सैफुल मलूक हिंजा की वजह से नहीं गए, क्योंकि और यहाँ पे जो है ना अब तक सैफुल मलूक झील का रोना हो रहा है कि हम लोग गए नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं गए। वो कह रहा है तुम्हारी वजह से नहीं गए, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि हिंजा जरूर पीछे लगती, और मैं हिंजा को लेके जाने के बिल्कुल उसमें नहीं थी। वहाँ बहुत ठंड है, -6 था सुबह वहाँ पर, जब 8 बजे मैंने देखा, तो इसलिए हिंजा का तो काम ही नहीं बनता था जाने का, इसलिए भाई नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये देखना था कि झील बर्फ में ढकी हुई कैसे लगती है, बर्फ के पहाड़ों से, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हुई हुई है, और आज चांस भी थे वहाँ पे बर्फ गिरने के। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तू निहाल भाई, मेरे चमन के माली तुझको कसम है, मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले, मेरे चमन के माली तुझको कसम है, मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले, मेरे चमन के माली। हेलो
नमस्ते सनम, तुझको कसम है आजा, दिल में मेरे समा जा, रात ढलने वाली मेरे चमन के माली। और इन्होंने गाड़ी में वक्त डाल दिया है, गाड़ी में नहीं गाड़ी के रास्ते में। यार मुझे इनको चलाने का बहुत शौक है यार। यहाँ तो देखो व्यू चेक करें। और हम लेंगे अभी पिक्चर यहाँ पे अपनी। मौसम है सुहाना, ठंडा ठंडा पानी, ठंडे को बर्फ भाई, लेकिन इसको पीने का अलग ही मजा है। पीऊंगी अभी मैं मास्क हटा के, बल्कि पी लेती हूँ। बहुत हसीन मौसम है और आए तो भाई एंजॉय करें, वरना आने का कोई फायदा ही नहीं है। चले भाई, आ गए हम नाश्ते के लिए और यहाँ एक फैमिली और नाश्ता उड़ा रही है। और ये है यहाँ का व्यू, वहाँ सामने चलो। मेरे बादशाह एक बार न सर, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के वापस आऊंगा। चलो भाई, 3-2-1 पिल्ले। चलो भाई, ये देखें लोगों की शौकियां ही खत्म नहीं होती भाई। यहाँ से घूम के फिर यहाँ जाना पड़ रहा है। हाय 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 हाय, इस मंजर के क्या कहने, VIP हो गया भाई। हाय, यहाँ पे खड़े होके नाश्ता, खड़े होके तौबा, बैठ के नाश्ते की क्या बात है। और व्यू तो क्या कहने, और नसर निहाल को चेक करे मम्मा कहाँ बैठा है। यार दिल बहुत उदास है, दिल ये चाह रहा था कि हम लोग वापस जाएं, लेकिन जाना तो है ना यार। खैर हम इतने करीब हैं इन जगहों से, पिंडी से, कराची वाले बहुत दूर है भाई, हम बहुत करीब हैं, जल्दी जल्दी आ सकते हैं। अम्मी के लिए सीट लगाई जाए, बैठिए बैठिए, तशरीफ करती आ रही हूँ अभी। एक अपने अपने फोटो सेशन में लगे पड़े हुए, उनके व्यू काफ़ी अच्छा है। अब मैं भाई सुकून से बैठ रही हूँ यहाँ पे, नाश्ता जब तक आता है जब तक के बैठते हैं सुकून से। नहीं यहाँ 6,000 फुट की बुलंदी पे बैठ रही हूँ अभी मैं, 6,000 फुट की बुलंदी पे। और जब यहाँ से जाने का टाइम आता है ना यार, मेरा जाने का मन नहीं करता यहाँ से बिल्कुल।
चाहता नहीं यार अभी और रुक जाओ अभी और रुक जाओ। बहुत अच्छा लगता है यार, जाना तो है घर अपने। पीछे भी सब लगे हुए हैं बच्चियां वगैरह। नाश्ते में वही अंडा पराठा चना। एक तो चना, जब से मैं पिंडी आई हूँ ना यार, ये चने ने ना घूम घूम के मेरे पे वक्त डाला है। जहाँ देखो वहीं चना, जहाँ देखो वहीं चना, चना ही चना। मौसम में वो तो ठंडक थी ना ककड़न वाली, सुबह -1 पे हो गया था, सुबह रात में तो -4 तक गया है भाई। और जुनाशा बेगम, आज जुनाशा ने कमीज और ट्राउजर पहना हुआ है, ये मैंने सवाद से लिए थे इसके। मौसम थोड़ा सा वो हो गया, वरना जो जो सुबह वाली कड़क थी ना सर्दी की, वो टूट गई। और ये दरिया मार छाटे मारता हुआ जबरदस्त। और मैं यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गई हूँ, और हमारी अम्मी ऊपर से चीखेंगे शराफत से ऊपर आ जाओ। तो वापस जा रही हूँ मैं ऊपर, आना यहीं तक था। हसान इससे नीचे जाने की जुगाड़ में लगा हुआ, तो हम आ गए हैं वापस। नाश्ता आ गया, लेकिन नाश्ता बिल्कुल भी भाई मजेदार नहीं है। कैसा है नाश्ता तू? ये अल्लाह का शुक्र करके खा रहा है तू? अल्लाह का शुक्र है भाई, अभी तो बातें बना रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा करने शुरू हो गया। अबे तुम को पत्थर दे दो, स्टील दे दो, लोहे दे दो, चबा जाएंगे लोग। और दिया अभी बातें बना रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए मेरे भाई। चबाओ, बिल्कुल चबाओ, बिल्कुल चबाओ। चलिए नाश्ता करते हैं। व्यू अच्छा था ना, सारे पैसे जो है ना वो व्यू के चलेगा। क्यों नहा ले, प्ले प्ले मजा आ रहा है खाने में। ये भी निगल रहा है, हाँ मजा आ गया नाश्ते में। मम्मा शुभ पहनी मैंने, मजा आया। ये बंदे ने इतना खाया, इतना खाया, ये तो खा रहे हैं और पता क्या कर रहे हैं, समझ जाएं बस आप। दो अंडे खा गए इसने, हमें हिला के रखा हुआ है कसम से। इतना भी शुगर अदा करना चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए, पूरा नहीं खाना चाहिए। तुम्हारा भी नहीं भर रहा अब तक। चलो भाई चलो, कहाँ जा रहे हो? मैं इनका गाड़ी में बुरा हाल करने वाला हूँ ना, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं रो ना। और अब चल रही है सवारी हमारी वापस। अब वक्त बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। चलो 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 चलो, ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहजादियाँ। चलो जी बाय बाय, अब सफर बालाकोट के लिए, उसके बाद फिर वहां से मुजफ्फराबाद, फिर इस्लामाबाद, फिर पिंडी। अगर यहाँ के जो घर होते ना, रेड ऑरेंज ब्लू और येलो, अब हम अपने घर में कराची वगैरह में कलर करवा लें, लोग बोलेंगे गोला गंडा बना लिया भाई घर को। और यहाँ की खूबसूरती यही घर है भाई। क्या वाह, चलो भाई गाड़ी की तरफ। टाइम हो चुका होगा तकरीबन 12 बजने वाले होंगे। और मैं जा रही हूँ अब गाड़ी में बैठने, और ठंड बढ़ रही है अब यहाँ पे। फिर वापस आ रही नहीं है। हमजा भाई खिला रहे नाशपाती, ये लो डेढ़ सौ। मुझे भी लेना। काटेंगे कैसे, छुरी पूरी तो है ही नहीं। मुंह से भाव काटना पड़ता है। अखरोट नहीं है, है ना? क्या किलो है? 350 रुपए किलो। अखरोट दिखाना, कौन सा अखरोट है? मजे के
वाओ यार हाथ वजन करना पड़ेगा 7.5 किलो का ये होता है। ये कैसा है? ये 350 रुपये फाइनल लगा लेंगे। 300 रुपये लगाओ जी। नहीं 1 रुपये भी कम नहीं कर सकते। 300 लगा लो, लेंगे हम भी। ज्यादा ले लेंगे और क्या, जितने भी चाहिए 1 किलो चाहिए सारे लेके जाओ, वही रेट है फाइनल रेट है। इसके अलावा शेद भी है देसी ओरिजिनल शेद। 300 पूरा ये नहीं होते चाचा दे 300। अबे शहद की मक्खियां भी डली नहीं शहद में। ये कैसे है? के साथ है पे के। ये कैसे है? ये 2200 रुपये आपको किलो दे दें। इसको आप 5 तक डाल। शहद तो मुझे एक पाव तो मैं ले ही लूँ घर के लिए, अपने जरूरत पड़ती रहती है शहद की, है ना। ये हम TCS भी करवा सकते हैं, आप मसला नहीं है, उसमें खर्चा आपको होगा जब दोबारा चाहिए होता है ना। हाँ तो नंबर दे दोगे ऑनलाइन कर दे देंगे, ऑनलाइन कर देंगे। मसला नहीं, कैसे किलो दो ये पहले साफ साफ दें। एक ही बार वो भी डाल देना, छत्ता भी। एक पाव मैं भी लूंगी तो पैकिंग नहीं, आधा किलो की है तो मैं आधा किलो का क्या करूंगी, मेरा इतना सारा कोई है नहीं। ये 2 साल भी खराब नहीं होता, फिर बेशक पड़ा रहे। यही चीज है और शहद की यही खासियत है। छत्ता डाले भी नहीं है ये 2 साल। पैकिंग तो अच्छी दी है तुमने, शहद की तरह की पैकिंग है। पैकिंग आधा किलो आपके लिए करें। ये ले, ये लेंगे मुझे आधा किलो का। चलो दे दो आधा किलो ही, क्या कर सकते। चार साल भी डालें मेरे को ना। छत्ता नहीं डाला अब्बू में उसको, मैं तो थोड़ा थोड़ा मेरे में भी थोड़ा सा छत्ता डाल दो। छत्ता ही बेहतरीन चीज है। डाले मक्खी नहीं डाल देना, मक्खी नहीं है। ये ले खाए, छत्ता खाते ही। हाँ ये खाए, ये तो चंगम बन जाते हैं। ये लगा के खाए। अखरोट और शहद तो लगा के खाने से चिलगोजा बहुत फायदा है भाई। बस नंबर लिख लेना आप, नंबर लिख लें और जरूरत पड़े तो किसी से नंबर लिख के दे देते हैं। इसी से यही माल आएगा। हाँ नंबर लिख लें। शहद मीठा कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा ही मीठा है। शेर नाम किस चीज़ से? ये तुम्हारे में वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब पे जाएगी। बेशक जाए, पहले भी है हमारी वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे। मतलब यूट्यूब पे हम लोग बहुत मशहूर हैं शेर की वजह से। हैं जी, हमने पिंडी में कहाँ से लिया था? 1800 रुपये लगा लेंगे घी लेने। भाई 1800 नहीं लगा और कम करो भाई, यहाँ आने का कोई फायदा तो। मलाई वाला होता है ना ये पेग रहना, वो 1200-1500 दूध वाली दुकान पे जो होता है वो मलाई दूध वाली दुकान पे। आधा किलो दो, 1 kg है ना। हाँ मस्त नहीं, ये टैप लगा के आपको बेहतरीन जाएगा, वो पैकिंग हमारी सही होती है, वो बेफिक्र ना होके। तोड़ देती है हमारे को जो हमने कहीं बताया, तोड़ के दिया बेहतरीन बेहतरीन। और नसर कैसी है? सब नाशपातियाँ कुतरते हुए जा रहे जा रहे हैं ऊपर। चलो भागो, ऊपर ये आ गए हम ऊपर। हाय हाय, अपना घर बुक करा लूं यहाँ भी। कभी कभार आया करें तो हम यहाँ पे अपना खानदान वाले आए, अपना रहे, गेस्ट हाउस बना लूं एक और चले जाएं। ये मेरा बकरा है देखो, झांक रहा है, वो देख रहा है मालिक को। है गया कहाँ? हाँ बोरा 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 यार, देख के भाई लाल सुस्त हुआ है। आगे मत जा, सिरे पे बिल्कुल।
अबे बकरे टक्करे मारते हुए नहीं आ जाए, अगर टूटेगी अबे आगे मत गिरा। बकरे को पकड़ रहे हैं यहाँ से, गाड़ियाँ ना बहुत स्पीड में आती है। पागल पकड़े हाले, गाय को पत्थर मार रहे हैं। चलो वो हमको कह रहे, चलो जी अब हम वापस उतर रहे हैं। हम इसलिए उतरे थे क्योंकि हमारी गाड़ी जो है ना वो वॉश हो रही है, तो सोचा चलो भाई उतर के सरा चाय वाय पीते हैं। मैं तो पीती नहीं हूँ भाई, बाकी जो पीते हैं वो पीते हैं। ये मटके रखे हैं छोटे छोटे मट्टी के, इसमें रखा हुआ पानी, तो निकालते कैसे हैं, इसमें हाथ डाल के निकाल लेते हैं। नसर निकालना जरा इसमें से पानी, पानी ऐसे उठा के डालो, हाथ डालेंगे तो पूरा पानी। ये दरिया का पानी है, चश्मे का है, चश्मे का है। चल भाई डाल चश्मे का पानी पियो। बस कितना शफाफ पानी है, तो देख वाकई यार किसी मिनरल वाटर की ज़रूरत नहीं है। खींचती हूँ मैं अभी से। पिंजरा भी बना हुआ है, हाँ रेड कलर के कांटे वाले फ्लावर, लग कितने खूबसूरत रहे। नहीं बहुत सॉफ्ट है यार ये, कांटे नहीं है, नहीं इसको भी पता है लगाना बालों में। वो शेर की मक्खियाँ घूम रही है, ये मैंने तोड़ लिया, और ये गाय और शायद वो गाय का बच्चा है पता नहीं। हिंजा भी आ गई, हाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हिंजा आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इन लोगों के बाल कैसे खड़े हो, देख कैसे रही हो, देख ले भाई अपनी जिम्मेदारी पे कर ले। खुली भी तो नहीं है ये, खुली भी है वो, देखो बच्चे को। और देख रही एकदम से उठ के नहीं आ जा, उठने में इसको बहुत टाइम लगता है। इसको सारी मालूम आते भाई, इतनी सारी गाय यहाँ पे टहल लेना। नहीं रहने दे भाई, वैसे मैं गाय वगैरह से डरती नहीं हूँ, लेकिन भाई खुली में कुछ पता आता थोड़ी है, यहाँ तो पहाड़ है, अगर नीचे गिर गिर आ गए ऐसी देगी नीचे। चले आ रहे पकड़ लूंगा मैं, वो सही है, ये थोड़ी वैसी है। और इधर हमारी गाड़ी वॉश हो रही है, ये पेड़ बड़ा प्यारा है भाई, बच्चे को पकड़ा और घुर्राती भी आएगी मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहा है। और ये तार कोल कहाँ चल रहा है, सांप तू ना मुक्के, अरे इतना बड़ा है, काली काली को इतना बारीक दाग इतना ऐसे से रिंग के ऊपर चले गया। तुझे खूब नजर आ रहा है, तूने क्या माइक्रो कैमरा लगाया हुआ आंखों में। ये फ्लावर लिया और इसको फंसा लिया है, और अभी तक हम लोग यहीं टहल ही रहे हैं। ये पूरा पेड़ इसी फ्लावर से भरा हुआ है, रेड कलर की ये एक और थोड़ा बच गए। हाल इसको तोड़ के दे, मैं जंगली है यार ये। अबे तू यहाँ से तोड़े, तुझे जंगली से क्या ताल्लुक, हर चीज इसको जंगली लग रही है, गाय इसको जंगली लग रही है। गाड़ तो है वो, ओए हरा धनिया, हरा धनिया कहाँ है, हरा धनिया आपने वहाँ पे कितने लगे हुए थे, इनकी गाय पुदीना। हाँ भाई यहाँ से डंडी तोड़ दे, लो तोड़ दे। और अभी सिर्फ बज रहे हैं 3:15 है? हाँ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी शाम हो चुकी है, यहाँ टाइम का कुछ पता नहीं लगता। मेरा पहले वाला था वो भी गिर गया इसके चक्कर में। अब निकलेंगे तो शायद कहीं ना रुके, बस सीधा घर जाएं, या कुछ कह नहीं सकते भाई, इसकी भी हमें उम्मीद नहीं थी कि रुक जाएंगे, लेकिन रुक गए। पब्लिक
थकान हो रही, नींद आ रही है, लग तो फ्रेश रहता है अभी तक। कल वाला ले आया और कुछ नहीं थी करे में वाले आई थी। अब हम मानसेरा से वापस आ रहे हैं और ये हम टनल से गुजर रहे हैं। मुजफ्फराबाद वाला रास्ता नहीं पकड़ा, मानसेरा से हम सीधा इस्लामाबाद निकलेंगे। और ये बहुत बड़ी टर्नल है, बहुत बड़ी भाई। चल ही रही है, तकरीबन 5 मिनट से चल रही है और आगे तक चल ही रही है। बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब है यार यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 4:15 का। सवात के रास्ते में बहुत आती है टनल, लेकिन ये बहुत बड़ी टनल है। अब बाहर से थोड़ी रोशनी नजर आना शुरू हुई है। चुके हैं, अब आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।